शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर में शुक्रवार को भी बैंक की हड़ताल जारी। बैंकों को निजीकरण के विरोध में 2 दिनों से बैंक कर्मचारी कर रहे हड़ताल। 2 दिवसीय हड़ताल में शामिल होने के लिए सभी बैंक कर्मी कर्तव्य स्थल पहुंचे, लेकिन दिन भर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए कर्मचारी। 2 दिन की हड़ताल हमारी बैंकों का जो निजीकरण करने जा रही है सरकार, उसके विरुद्ध है, तो ये हमारी हड़ताल है। क्या क्या मांगे अपने? हमारी मांगे सरकार से बस ये है कि जो आपके नेशनलाइज बैंक है उनका जो निजीकरण ये करने जा रहे हैं उसको है तो बंद करें। बैंकों को है तो यथावत स्थिति में बना रखे, नेशनलाइज बना रखे। अगर बैंक आपका निजीकरण हो जाएगा तो जन सामान्य जो है गरीब वर्ग है जिसको हम बहुत आसानी से सुविधाएँ दे पा रहे हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं है तो दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। जो जन सामान्य है, गरीब वर्ग है, उनको जो सुविधाएं मिल रही है वो बहुत आसानी से शायद तो निजीकरण के बाद नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो साथ ही साथ हम देश के साथ साथ हम उस वर्ग को भी बचाना चाह रहे हैं जो बहुत आसानी से बैंक सेवाएं ले पा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में आपको पता होगा कि जिस तरह से जो निजी बैंक हैं उसके अंदर अगर कोई बंदा खाता खुलवाना चाहता है तो उसका सेविंग अकाउंट ही जहाँ तक हमें ध्यान है कि 5,000 या 10,000 मिनिमम बैलेंस खोला जाता है, जबकि जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो है तो उसका जीरो बैलेंस पर है तो खाता खोलती है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंक की सरकार की जो योजना है वो भी हमारी नेशनलाइज बैंक ही पूरा करती है, चाहे वो आपकी जनधन खाते खोलने से लेकर के आपका मुद्रा लोन हो या आपका है तो प्रधानमंत्री है तो पत्र विक्रेता योजना हो, मुख्यमंत्री है तो ग्रामीण पत्र विक्रेता योजना हो, ये सबके क्रियान्वयन। हरगोद जिले के सेगांव में दूसरे दिन भी भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 2 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से उपभोक्ता हो रहे परेशान। सरकार के बैंकों के निजीकरण करने के खिलाफ कर रहे हड़ताल। सेगांव में शुक्रवार को हाट बाजार के दिन बैंक बंद होने के कारण लोगों को हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी तहसील के ग्राम पोखरनी में किसान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से बखर दिया है। मामला मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले का है, जहां अनुसूचित जाति वर्ग के किसान रामकिशन इंदौरे के खेत में लगी 2 एकड़ की गेहूं की फसल को जितेंद्र गुर्जर द्वारा ट्रैक्टर से बखर कर नष्ट कर दिया। इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ संभागीय अध्यक्ष राहुल पवार के नेतृत्व में पीड़ित किसान द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राहुल पवार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति संभागीय अध्यक्ष, टिमन्नी विधानसभा के ग्राम पोखरनी में कुछ गुर्जर समाज के दबंगों ने आरई और पटवारी की साठगांठ से एक अनुसूचित जाति के किसान के खेत खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलवा दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहूँगा, अभी भी पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हरकत करना छोड़ दें, क्योंकि उस पीड़ित किसान ने कर्ज लेकर पूरी फसल बोई थी और आज उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दी है। इसलिए अभी मैं माननीय कलेक्टर महोदय के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, और यदि इस मामले पर यदि 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। साहब ने क्या आदेश दिए? मेरी अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, ज्ञापन के आदेश से कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैंने तहसीलदार के लिए जांच के लिए भिजवा दिया और जल्द ही उसको कार्रवाई होगी, और यदि कार्रवाई 3 दिवस के अंदर नहीं होती है पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन। जबलपुर की बेलबाग पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसा आरोपी को गिरफ्तार किया है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली कि बेलबाग तिराहे के पास एक युवक थैले में सुअर मार बम रखकर किसी वारदात को अंजाम देने घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 17/12/2021 के रात्रि करीब 12:01 बजे करीब ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि गोलू उर्फ विपिन बछेल जो है ये इधर का है, क्या बोलते हैं, बिलहरी का रहने वाला है, ये अपने साथ में विस्फोटक सुअर मार बम लिए घूम रहा है बेलबाग तिराहे में, किसी घटना के उसमें है। तो इसको वहाँ से दबिश दे के पकड़ा गया, इसके पास 9 सुअर मार बम मिले हैं और इससे पूछताछ की गई कि ये बम कहाँ से लाया। तो इसने बताया है कि मैंने अजीत उर्फ बब्बन नोतनानी, ये जो है बेलबाग
तिराहा के पास रहता है, मैंने इससे इसने मुझे बम दिया है। तो जिस पर विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और अजीत उर्फ बब्बन की तलाश करके और उसके पास से अगली कार्यवाही की जा रही है। सर कैसी आशंका है कि यहाँ इस क्षेत्र में बम बनाए जा रहे हैं? ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वो भी कहीं से लाया हो या बनाया भी हो सकता है कि बनाया हो। दूसरा आरोपी भी पकड़ा नहीं पकड़ा? अभी संभावना है, अभी उसके लिए गए हुए हैं आरोपी की दबिश के लिए, वो मिल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। खरगोन जिले के सेगांव में क्षेत्र के जनजातीय नेताओं ने तहसीलदार के नाम लेखापाल प्रेम सिंह डोडवे को आगामी चुनाव में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में धर्मांतरित व्यक्तियों को पंचायत व चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनजातीय सुरक्षा मंच के तहसील संयोजक गणपत गोखले, गुरुलाल डावर, शांतिलाल चौहान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायतों को पंचायत चुनावों को लेकर माननीय तहसीलदार महोदय को आज ज्ञापन दिया गया जनजाति समाज की ओर से, जो आगामी चुनावों में धर्मांतरित व्यक्ति लोग जो है कन्वर्टेड लोग त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लेते हैं तो उनका नामांकन निरस्त किया जाएगा। इस बात को लेकर आज माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया जनजाति समाज की। क्या नाम लिखते हैं? गणपत गोखले, जनजाति सुरक्षा मंच तहसील संयोजक।